भी लंच का टाइम था, फिर 3:30 बजे आया वो भी लंच का टाइम था, एक्चुअल लंच का टाइम है क्या सर? तकलीफ तो इसमें भी होता है ना सर, हम इस क्षेत्र के सर, इस क्षेत्र में हम सब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में अगर हमें समस्याएं होंगी तो हम तो ज्ञापन देने आएंगे सर, इस समस्या का कम से कम हल कीजिए, ठीक है? अगर ये सब चीज़ें और बाकी इन सब चीज़ों का आप चंगा दे तब ध्यान बता पे जो लेट होता है इस चीज़ों का तो सॉल्यूशन आप लोग कर ही सकते हैं सर। आप खुद ही देखिए ना सर, 11 बजे ट्रेन 1 बजे आ रहे, 2 घंटे लेट है। मैं बता रहा हूँ 10 यात्री यहाँ वापस के बोले कि हमारे लिए लाखों का ट्रेन छूट गया, हम कहाँ जाएंगे? ऐसा मत कीजिए सर, हम लोग वही चाह रहे हैं आपसे कि पब्लिक को परेशान मत, अब पीस रहे सिर्फ कोरबा के पब्लिक, मैं दूसरा नहीं जानता सर, बिलासपुर नहीं जानता, नहीं जानता मैं, लेकिन मेरे कोरबा के लोगों को जानता हूँ। टापू बना के छोड़ दिए सर ये जिला को, कोयला हम लेते हैं सर यहाँ से, तब जाकर क्या सारे जगह से आपको राजस्व प्राप्त होगा। प्रतिदिन तो आपको ही पता नहीं सर कितने रैंक भेजते हैं, तब आप सोचिए सर, तो तकलीफ मत दीजिए, पैसा कमाइए ना सर, कौन मना किया? रेलवे प्रबंधन ने पैसा कमाने के लिए बने हैं, बनाइए, लेकिन पब्लिक को भी सोल्यूशन दीजिए सर। अब इस बार आएंगे तो 1 जून को हम प्रारंभ करेंगे, बोले जनरल टिकट का, और अभी 1 जून में कितना समय है सर? 1 जुलाई क्यों सर, अभी तो समय है, आप झटपट श्रमिक वर्ग ज्यादा है या श्रमिक वर्गों की संख्या ज्यादा है जो बीपीएल कार्ड